ग्राम बुल्लनपुरा क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारी बनेगा चौड़ा नाला, रहवासी बोले नपा पर भरोसा नहीं। गुना में मानसून आने में कुछ महीने ही बचे हैं। नगर पालिका वर्षा से पूर्व अपनी तैयारियों में जुट गया है। जगह जगह नालों की सफाई की जा रही है। वहीं बुल्लनपुरा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निपटने के लिए नगर पालिका द्वारा अब चौड़ा और गहरा नाला बनाया जाएगा, जिससे कि जलभराव ना हो और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जिसके लिए नगर पालिका को 1 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई है। लेकिन नाले के ऊपर रहवासियों का अतिक्रमण है, जिसे नगर पालिका की टीम ने हटवाया। कार्यवाही को लेकर रहवासियों का विरोध भी सामने आया। रहवासियों ने बताया कि हर बार अपने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। हमने निजी कर्जे पर नाले का निर्माण कराया, जो कि हमारी निजी भूमि पर है, जो अतिक्रमण नहीं कहलाएगा। वहीं अब नगर पालिका नाला बनाने की बात कर रही है, तो इसमें क्या गारंटी है कि नगर पालिका समय रहते नाला बना देगी, या फिर कछुए की चाल की तरह काम धीमी गति चलेगा, वर्षा आ जाएगी जिससे कि फिर रहवासियों को परेशान होना पड़ेगा। बरसात के मौसम में लोगों के मकानों में फिर से पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका द्वारा कब तक ये नाला तैयार कर दिया जाता है। क्या वर्षा से पूर्व नगर पालिका द्वारा नाले को तैयार कर दिया जाएगा, या फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। नगर पालिका के अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर रहवासियों में आक्रोश देखा गया। हालांकि नगर पालिका द्वारा नाला तैयार कर दिया जाता है तो रहवासियों की काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और यहाँ से नीचे जो स्लिप डाली थी वो हमने नहीं दी, हमारे पैसे ही डाल दिए। अगर सरकारी जगह में होती तो फिर हमें जगह का को डालती, नहीं डालती तो यहाँ से ना हो कि तोड़ के नहीं उन्हें खुली छोड़ जाने, तो फिर मुश्किल वाली बात ये कह रहा हूँ। पानी तो ऊपर से थोड़ी जाओ, पानी तो नीचे से ही जाओ। हमेशा कितने सालों से भर रहा है पानी? ये पानी सर जैसे मान लो पानी कम से कम 10-15 साल से पानी आ जाता है, नहीं पहले नहीं आता था पानी। नगर पालिका जो काम कर रही है बिल्कुल गलत है। जितना जो कोई अतिक्रमण नहीं है, सबके निजी जमीन है और सबने अपने अपने पैसों से उस पर अपनी सुविधा के हिसाब से नाले का निर्माण करा। अब नगर पालिका जो नाला बनाएगी उसकी क्या गारंटी कि वो कितने साल चलेगा? नगर पालिका लिख के थे हमारे तो 35-40 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ नाले का। नगर पालिका गारंटी दे उस नाले की कि इतने साल तक चलेगा, ये टिकाऊ है कि नहीं है। पठार वहाँ से पानी निकलता था, नाला बहुत टूटा था, कम से कम हम डूब जाती। हमारे जरिए हम देखा, हमने ऊपर से पानी आएगा तुम जब बताओ। यहाँ पे पुलिया थी, मैं यहाँ पे 35 साल के करीब हूँ, यहाँ पे पुलिया थी, पुलिया का अब कर रही नगर पालिका ने करी या किसी ने करी, उधर पुलिया कर दी। हमारा बहुत पुराना मकान है, हम लोग 30-35 साल का, हम तोड़ने के लिए मन नहीं कर रहे। आप इधर से लाइए, ये साइड से लाइए या ये साइड से लाइए। सबसे बड़ी बात तो शासकीय जमीन नहीं है ना, निजी जमीन में नाले भी जो बनाया अपन ने, घर के बना रखा अपन ने, अपने पैसे तो आपके साथ कोई नगर पालिका थोड़ी बना रही है। ईसा जो एरिया में हमेशा बारिश में परेशान रहते, घरों में पानी भरा जाता है, आज अगर कोई कार्रवाई हो रही है कि नाले का पानी निकासी का क्या संसाधन है, क्या जानकारी है? इस क्षेत्र में हमेशा बरसात के दिनों में पानी की समस्या बनी रहती है और मकानों में पानी भर जाता है। इसी के तहत स्कीम है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बाढ़ राहत के तहत शासन ने 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके तहत नाले को बनाया जाना है और इसको डिजाइन के साथ इतनी आवश्यकता है कि डिजाइन कराई गई है कि अब जितना पहले से ज़्यादा छोड़ा 11 फीट तक छोड़ा, तो 6 फीट गहरा नाला बनेगा, उनके लेवल से रहेगा।